हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइनकिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। द शॉर्ट फिल्म्स बिगिन विद
अविनाश ए यंग मैन बस्टलिंग इंटू हिज हाउस. ही वॉक्स हिज फादर एंड पसेस हिम अगेंस्ट द वॉल डिक्लेयरिंग डैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड नॉट ए एनच डैट हिज पेरेंट्स आर एसेंट ऑफ. ही लीव्स हिज पेरेंट्स हाउस डिस्ट्रॉट एंड हर्ट ब्रोकन बट रेडी फॉर ए न्यू स्टार्ट. ही पासिस ए लिटिल गर्ल एट ए ट्रेन स्टेशन सिंगिंग. अजीब दास्तान है ये. गायत्री इज मैरिड टू देव. गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न. अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर. दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज. ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर. दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे. देव सीम्स शॉक्ड. तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई. ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप. रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ. स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन. सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार. एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने. एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट. डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013. रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स. कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी. बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप. द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th year ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा. इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013. बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 anthology फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप बींग फॉलोड बाई लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020. द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स. The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and presses him against the wall, declaring that he is homosexual and not a NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing. अजीब दास्तान है ये. गायत्री इज मैरिड टू देव. गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न. अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर. दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज. ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर. दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे. देव सीम्स शॉक्ड. तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इनवाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन।
सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स। एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया। एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बींग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इनवाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती। एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स। एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया। एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग
द 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मे 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ थ्री एंथोलॉजी फिल्म्स फ्रॉम जौहर बनर्जी अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020 द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। द शॉर्ट फिल्म्स बिगिन विद अविनाश ए यंग मैन बस्टलिंग इन टू हिज हाउस ही वॉक्स हिज फादर एंड पसेस हिम अंगेंस्ट द वॉल डिलीविंग डैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड नॉट ए एनच डैट हिज पेरेंट्स आर एसेम्ड ऑफ ही लीव्स हिज पेरेंट्स हाउस डिस्ट्रॉट एंड हर्ट ब्रोकन बट रेडी फॉर ए न्यू स्टार्ट। ही पासिस ए लिटिल गर्ल एट ए ट्रेन स्टेशन सिंगिंग अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटन किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मे 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ थ्री एंथोलॉजी फिल्म्स फ्रॉम जौहर बनर्जी अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020 द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, delivering that he is homosexual and not a NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station
सिंगिंग अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बींग फॉलोड बाई लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी
मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ फोर शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज ऑन 3 मई 2013 कॉइनकिडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ थ्री एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर बनर्जी अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020 द लेटर टू बीइंग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। द शॉर्ट फिल्म्स बिगिन विद अविनाश ए यंग मैन बस्टलिंग इन टू हिज हाउस। ही वॉक्स हिज फादर एंड पसेस हिम अंगेंस्ट द वॉल डिक्लेयरिंग डैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड नॉट ए एनच डैट हिज पेरेंट्स आर एसेंट ऑफ। ही लीव्स हिज पेरेंट्स हाउस डिस्टॉर्ट एंड हर्ट ब्रोकन बट रेडी फॉर ए न्यू स्टार्ट। ही पासिस ए लिटिल गर्ल एट ए ट्रेन स्टेशन सिंगिंग अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज ए गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई, ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने।
प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इनवाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म
फिल्म फ्रॉम जौहर बनर्जी अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020 द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स. The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये. गायत्री इज मैरिड टू देव. गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न. अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर. दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज. ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर. दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे. देव सीम्स शॉक्ड. तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई. ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप. रिटन किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ. स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन. सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार. एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने. एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट. डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013. रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स. कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी. बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप. द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा. It screened at the 2013 Cannes Film Festival on 17 May 2013. Bombay Talkies is the first of 3 anthology films from Jauhar Banerjee, Akhtar and Kashyap being followed by Lust Stories in 2018 and Ghost Stories in 2020, the latter two being released on Netflix. The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये. गायत्री इज मैरिड टू देव. गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न. अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर.
they gradually becomes very close. On his birthday, Gayatri invites Avinash home for dinner. That evening, Gayatri tells Dev that Avinash is gay. Dev seems shocked. तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई, ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई, ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती
एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंड्रैक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स। एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया। एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बींग फॉलोड बाई लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH, that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इनवाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती। एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंड्रैक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स। एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया। एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी।
बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ फोर शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप. द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा. इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013. बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ थ्री एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बींग फॉलोड बाई लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स. The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये. गायत्री इज मैरिड टू देव. गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न. अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर. दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज. ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर. दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे. देव सीम्स शॉक्ड. तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई. ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप. रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ. स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन. सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार. एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने. एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट. डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013. रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स. कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी. बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ फोर शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप. द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा. It screened at the 2013 Cannes Film Festival on 17 May 2013. Bombay Talkies is the first of three anthology films from Jauhar, Banerjee, Akhtar and Kashyap, being followed by Lust Stories in 2018 and Ghost Stories in 2020, the latter two being released on Netflix. The short films begin with
अविनाश ए यंग मैन बस्टलिंग इंटू हिज हाउस. ही वॉक्स हिज फादर एंड पसेस हिम अगेंस्ट द वॉल डिक्लेयरिंग डैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड नॉट ए एनच डैट हिज पेरेंट्स आर एसेंट ऑफ. ही लीव्स हिज पेरेंट्स हाउस डिस्ट्रॉट एंड हर्ट ब्रोकन बट रेडी फॉर ए न्यू स्टार्ट. ही पासिस ए लिटिल गर्ल एट ए ट्रेन स्टेशन सिंगिंग. अजीब दास्तान है ये. गायत्री इज मैरिड टू देव. गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न. अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर. दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज. ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर. दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे. देव सीम्स शॉक्ड. तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज. ये मूवी 2013 में रिलीज हुई. ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप. रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ. स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन. सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार. एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने. एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने. प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट. डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013. रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स. कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी. बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप. द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th year ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा. इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013. बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 anthology फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप बींग फॉलोड बाई लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020. द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स. The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and presses him against the wall, declaring that he is homosexual and not a NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing. अजीब दास्तान है ये. गायत्री इज मैरिड टू देव. गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न. अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर. दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज. ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर. दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे. देव सीम्स शॉक्ड. तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH, that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन।
सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स। एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया। एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बींग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH, that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इनवाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती। एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स। एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया। एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग
द 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मे 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ थ्री एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर बनर्जी अख्तर एंड कश्यप बींग फॉलोड बाई लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020 द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। द शॉर्ट फिल्म बिगिन विद अविनाश ए यंग मैन बस्टलिंग इन टू हिज हाउस। ही वॉक्स हिज फादर एंड पसेस हिम अंगेंस्ट द वॉल डिलीविंग डैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड नॉट ए एनच डैट हिज पेरेंट्स आर एसेम्ड ऑफ। ही लीव्स हिज पेरेंट्स हाउस डिस्ट्रॉट एंड हर्ट ब्रोकन बट रेडी फॉर ए न्यू स्टार्ट। ही पासिस ए लिटिल गर्ल एट ए ट्रेन स्टेशन सिंगिंग अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटन किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मे 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ थ्री एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर बनर्जी अख्तर एंड कश्यप बींग फॉलोड बाई लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020 द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, delivering that he is homosexual and not a NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station
सिंगिंग अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव, गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव, गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी
मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ फोर शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज ऑन 3 मई 2013 कॉइनसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ थ्री एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर बनर्जी अख्तर एंड कश्यप बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020 द लेटर टू बीइंग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। द शॉर्ट फिल्म्स बिगिन विद अविनाश ए यंग मैन बस्टलिंग इन टू हिज हाउस। ही वॉक्स हिज फादर एंड पसेस हिम अंगेंस्ट द वॉल डिक्लेयरिंग डैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड नॉट ए एनच डैट हिज पेरेंट्स आर एसेंट ऑफ। ही लीव्स हिज पेरेंट्स हाउस डिस्टॉर्ट एंड हर्ट ब्रोकन बट रेडी फॉर ए न्यू स्टार्ट। ही पासिस ए लिटिल गर्ल एट ए ट्रेन स्टेशन सिंगिंग अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज ए गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई, ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड पीटूष किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट।
डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स, एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया, एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बींग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बींग रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, declaring that he is homosexual and not an NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव। गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इनवाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई। ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया, एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप,
बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। द शॉर्ट फिल्म्स बिगिन विद अविनाश, ए यंग मैन बस्टलिंग इन टू हिज हाउस। ही वॉक्स हिज फादर एंड पसेस हिम अगेंस्ट द वॉल, डिलीविंग डैट ही इज होमोसेक्सुअल एंड नॉट ए एनच डैट हिज पेरेंट्स आर एसेंट ऑफ। ही लीव्स हिज पेरेंट्स हाउस डिस्ट्रॉट एंड हर्ट ब्रोकन बट रेडी फॉर ए न्यू स्टार्ट। ही पासिस ए लिटिल गर्ल एट ए ट्रेन स्टेशन सिंगिंग, अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव, गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री इन्वाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव डैट अविनाश इज गे, देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मूवी का रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके पास मूवी लेकर आए हैं बॉम्बे टॉकीज। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई, ये एक एंथोलॉजी मूवी है एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप। रिटर्न किया है करण जौहर, दिवाकर बनर्जी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, रीमा कागती एंड प्रोड्यूस किया है आशी दुआ। स्टार्स रहे हैं रानी मुखर्जी, रणदीप हुड्डा, साकिब सलीम, विनीत कुमार सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सदाशिव अमलपुरकर, नमन जैन, स्वाति दास, कैटना कैफ, अमिताभ बच्चन। सिनेमाटोग्राफी दी है अनिल मेहता, कार्लस कैटलन, निकोस एंडेक्सिक्स, राजीव रवि, एनका बोस, पंकज कुमार। एडिट किया है दीपा भाटिया, आरती बजाज ने। एंड फ्रेंड्स, इस मूवी में म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी रही है मूवी की फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट किया है विकम 18 मोशन पिक्चर्स एंड रिलीज डेट रही है मूवी की 3 मई 2013। रनिंग टाइम रहा है 128 मिनट्स। कंट्री इंडिया एंड लैंग्वेज रही है मूवी की हिंदी। बॉम्बे टॉकीज इज ए 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एंथोलॉजी फिल्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर, दीपाकर बनर्जी, जोया अख्तर एंड अनुराग कश्यप। द फिल्म रिलीज्ड ऑन 3 मई 2013 कॉइंसाइडिंग विद द सेलिब्रेटिंग द 100th ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द बिगनिंग ऑफ ए न्यू इरा इन मॉडर्न सिनेमा। इट स्क्रीन्ड एट द 2013 कैनिस फिल्म फेस्टिवल ऑन 17 मई 2013। बॉम्बे टॉकीज इज द फर्स्ट ऑफ 3 एंथोलॉजी फिल्म फ्रॉम जौहर, बनर्जी, अख्तर एंड कश्यप, बीइंग फॉलोड बाय लस्ट स्टोरीज इन 2018 एंड घोस्ट स्टोरीज इन 2020, द लेटर टू बीइंग रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। The short films begin with Avinash, a young man bustling into his house. He walks his father and pushes him against the wall, delivering that he is homosexual and not a NH that his parents are ashamed of. He leaves his parents' house distraught and heartbroken but ready for a new start. He passes a little girl at a train station singing, अजीब दास्तान है ये। गायत्री इज मैरिड टू देव, गायत्री मीट्स अविनाश द न्यू स्टर्न। अविनाश इन्फॉर्म्स हर डैट ही इज गे एंड इज सरप्राइज टू सी डैट इट डजंट शॉक हर। दे ग्रेजुअली बिकम्स वेरी क्लोज। ऑन हिज बर्थडे गायत्री
इनवाइट्स अविनाश होम फॉर डिनर। दैट इवनिंग गायत्री टेल्स देव दैट अविनाश इज गे। देव सीम्स शॉक्ड। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए।